आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर बिल्डिंग तथा नाले का कार्य कर रहे अमर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से कुछ लोगों द्वारा रंगदारी नहीं दिए जाने पर गुरुवार को सुबह हथियार से लैस युवकों ने कार्यरत स्टाफ के साथ मारपीट कर और धमका कर उनकी जेसीबी मशीन अपने कब्जे में लेकर भाग गए, जिसकी सूचना वहां कार्यरत कर्मी द्वारा एसपी को दिए जाने के बाद कंट्रोल रूम गिरिडीह थाना पुलिस द्वारा उक्त जेसीबी को और युवकों के साथ बरामद कर लिया। घटना के बाबत साइट पर कार्यरत ने बताया कि कुछ युवकों ने उन लोगों को डरा धमका कर और मारपीट कर जेसीबी को अपने साथ ले गए। वहीं मालिक गोपाल कुमार ने बताया कि पूर्व से ही युवक फिरदौस खान और साहिब खान द्वारा 5 लाख रंगदारी की मांग की गई थी। उनके कर्मियों के साथ बराबर अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने आरपीएफ पुलिस के पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह को दी थी, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि श्री कुमार ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर जीआरपी का थाना गिरिडीह रेलवे स्टेशन में मौजूद है। गिरिडीह से डिम्पल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार। यहाँ पर क्या कर रहे? हम यहाँ पर ऑफिस में काम कर रहे थे और वहाँ पर लिख रहे थे। और क्या काम कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ड्राइंग का काम हो रहा है, हर जगह बिल्डिंग का काम, नाली का काम हो रहा है। और यहाँ पर जैसे भी सही उसके कड़ा को उठवा कर रखे, इसमें बनवाना मुश्किल था, उन्होंने कड़ा जी रखे, ड्राइवर उतर करके उसको ऊपर रख रहा था। कल ड्राइवर लेकर के आया कोई आदमी, वो उनका आदमी कौन था आदमी? हम लोग नहीं पसंद थे उनको। हाँ, हम तो हमको आए हुए 2-3 दिन हुआ है जिसमें, और उसके बाद में बस वो लेकर के जाने लगा। तब हम स्नाप लोगों को फ़ोन किए कि देखिए ना इसी का लफड़ा हो रहा है, तो फ़ोन है। कितना देर पहले की घटना है? बस हो रहा है एक घंटा हो गया होगा। तो यहाँ आरपीएफ वाले पुलिस वाले हैं क्या? आरपीएफ वाले होंगे उधर, लेकिन हम लोग को बस नंबर, हम तो नया आदमी थे ना, हमारे पास में नंबर नहीं था उनका, और जो पुराना आदमी थे वो उन्हीं से उलझ रहे थे। उलझने के बाद में क्या बोला कि बल खून खराब हो जाएगा, ऐसा चला गया। कितने ये काम जो चल रहा है, ये किसका कौन कंपनी का काम कर रहा है? AEC कंपनी का चल रहा है। अपने जी एक तारीख को यही स्टाफ हैं? हाँ, स्टाफ ये हैं। मैंने कि भले मथुरापुर में रहते थे, फिर यहाँ पर हमको आगे की तरफ जाइए, क्योंकि सामान का काम ख़त्म हो गया है। सो वहाँ से सामान वामान सब लेकर के, पर हवा का अभी तक पता चल पाया है जेसीबी का? हाँ, वो थाना पर है, वहीं पर आदमी सब वहीं पर आदमी। क्या नाम हुआ सर? गोपाल कुमार मेरा नाम हुआ। ये रेलवे स्टेशन गिरिडीह परिसर में क्या आप काम चल रहा है? हाँ, यहाँ पर परिसर में बिल्डिंग बनाने का काम, नाला बनाने का काम हम लोग को मिला है। तो किस किस नाम से कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है? अमर इंजीकोन एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। क्या घटना कल घटी बताया? सर, घटना घटी कल नहीं, घटना पिछले 7-8 दिन से कुछ आपत्तिजनक लोग आके यहाँ पर रंगदारी मांगा करते थे, पैसा मांगा करते थे, और आके यहाँ हमारे लोगों को टॉर्चर क्या करते थे। इसकी जानकारी हम आरपीएफ मनोज सिंह को हम बराबर दे रहे थे। मनोज बाबू, इस तरह से हो रहा, हमको ये बात मालूम नहीं था कि जीआरपी थाना यहाँ पे है, इसीलिए हम जीआरपी थाना में कंप्लेन नहीं दर्ज करवा के उन्हीं के पास कंप्लेन बार बार करते थे, और वो कंसिडर नहीं किए, जिसके कारण कल उन्होंने सब 5-6 लड़के लोग मिलकर आए। उसमें 2 लड़का पहचाना गया, एक फिरदौस खान और एक साहिब खान, वो भी साथ में था, और हमारा जेसीबी को वहां से उठाकर ले गया। तब हमारे लोगों ने एसपी साहब से कंसल्ट किया, उसके बाद फिर तुरंत कंट्रोल रूम से हमारा जेसीबी को जब्त किया गया, और रंगे हाथ वो लोग पकड़ाया भी, और हमारे लोगों को मारपीट भी किया है। हमारे सुपरवाइजर को मारपीट करके पूरा सर मुंह सब फुला दिया है, ये देखने की बात है। मैंने आरपीएफ के जो वहाँ के इंचार्ज है मिस्टर मनोज कुमार, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने 500 बार फोन किए। कल का मेरा कॉल डिटेल देखा जाए तो कम से कम तो 50 बार रिसीव किए हैं वो,
लेकिन वो उन्होंने कोई कंसीडर नहीं किया, वो इस तरह से बिना जवाबदेही का काम कर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप यहाँ पर किस लिए। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? क्या आप प्रशासन से मांग करते हैं कि ये आपत्तिजनक घटना ना हो, कभी किसी के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार ना हो। कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कर्मचारी दूर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर काम करने के लिए आता है, मारपीट खाने के लिए नहीं ना आता है। अगर हम कंपनी का काम करवा रहे हैं तो विकास का ही काम करवा रहे हैं। तो प्रशासन को खास करके हम तो यही बताएंगे कि जीआरपी के बारे में मालूम नहीं था, जिसके कारण कि हम आरपीएफ को कॉन्टेक्ट करते थे और उन्होंने जानबूझ के, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मिली भगत है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पाए, वो कंसीडर नहीं किए। इस बाबत आपने एसपी साहब को बताया क्या? हाँ, हम एसपी साहब को बताए। एसपी साहब बोले कि आप जीआरपी से कंसल्ट कीजिए। हम एसपी साहब को रात में 3 बार फोन किए, उन्होंने फोन उठाया, उसके बाद हमको समझाया कि देखिए वो रेलवे परिसर का मामला है, आप जीआरपी वहां पर होते हैं, आप जीआरपी से कंसल्ट कीजिए, जीआरपी से कंसल्ट करिए, उसके बाद वो एफआईआर लॉन्च करके हमारे पास भेजेंगे। हमने जीआरपी से कंसल्ट किया, हमने जीआरपी डीएसपी साहब से कंसल्ट किया, सारे लोगों ने हमें यहाँ पर आज बुलाए कि आप आइए, कल हमने यहाँ एफआईआर डलवा चुके थे। ये क्या नाम आपने बताया, कौन कौन लड़के बराबर रंगदारी मांगा करते थे? 2 आदमी उसमें पहचाना जा रहा है और 5-6-7 लड़के उसके साथ रहते हैं, एक फिरदौस खान और एक साहेब खान।